गोल इज प्रॉपरली सेट हाफ वे रीच, ये अब्राहम लिंकन का मैंने आपको समझाया था. गोल क्या है? इट इज गोल इज इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. गोल इज सिंपली अ टारगेट एन इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू अचीव. गोल जो है एक आपका टारगेट है, जीवन का लक्ष्य है जो हर कोई पाना चाहता है. गोल सेटिंग जो है ये आपके फर्स्ट स्टेप इन टू टर्निंग इनविजिबल विशेष है या फिर ड्रीम्स है इसको विजिबल में आपको दिखाई देता है जो है आपका लक्ष्य या यश है, जो आपका सक्सेस है वो दिखाई देता है. इस तरह से ये प्लानिंग है. गोल सेटिंग इज प्लानिंग क्या है, इनविजिबल को विजिबल में टर्न करने का. गोल सेटिंग सेटिंग गोल इज द फर्स्ट स्टेप टू टर्निंग ड्रीम्स आइडियाज विशेष इनटू रियलिटी. मेजर कॉन्सेप्ट गोल सेटिंग एम गोल एम ऑब्जेक्टिव्स देन स्मार्ट गोल सेटिंग गोल वर्कशीट जो है हम लोग देखने वाले हैं. इट इज द स्टेटमेंट ऑफ कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ और वांट टू बिकम और वांट टू अचीव. ओके, इट इंडिकेट्स टाइम फ्रेम 8 to 10 years का. हमने अभी मैंने जैसे समझाया था गोल देखते हैं. माय गोल इज टू बिकम जनरल मैनेजर इन रिप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनी जैसे अभी मैंने बोला है. और मेरे हो सकता है हमारे फैमिली में भी बहन भाई फ्रेंड्स है. हम लोगों के फ्रेंड्स भले स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं तो सबका डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कुछ ना कुछ बनने का ये लक्ष्य उन लोगों का हो सकता है. इस तरह से ये गोल एम और ऑब्जेक्टिव ये तीनों चीज भले ही अलग अलग है लेकिन है तो ये गोल ओरिएंटेड ही है. गोल को प्राप्त करने के लिए ही है ये. छोटी छोटी स्टेप से ही हम लोग गोल की तरफ बढ़ने वाली ये चीजें है. ठीक है, इट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट यू वांट वेयर यू वांट टू सी योर सेल्फ और वांट टू बिकम और वांट टू अचीव. आप क्या अचीव करना चाहते हो, आप कहाँ में अपने आप को कहाँ में देखना चाहते हो उससे रिलेटेड है. इट इंडिकेट्स टाइम फ्रेम 2 to 3 years का यहाँ में देखा है. और ऑब्जेक्टिव्स हम लोग डिसाइड कर रहे थे बिकम और वांट टू अचीव. आप यहाँ में भी जो है एम ऑब्जेक्टिव्स जो है ये सेम ही है. देखिए यहाँ में टाइम ड्यूरेशन ही हम लोग देखते हैं कि ये डिफर करता है. इट इंडिकेट्स द टाइम फ्रेम विच इज शॉर्ट टर्म मे बी 6 months तो 1 year. एग्जाम्पल्स देखते हैं. माय गोल इज स्टार्ट माय ओन वर्कशॉप. हमने अभी देखा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया. एक्चुअली पीपीटी मैंने दिखाई नहीं दे रहा था शायद आप लोगों को. माय गोल इज टू स्टार्ट माय ओन वर्कशॉप विद मॉडर्न मशीन्स. मुझे मॉडर्न मशीन्स का वर्कशॉप या फिर आप लोगों में से भी किसी को अगर बहुत एग्जांपल बहुत सही है आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं. माय एम इज टू कंप्लीट डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन 3 years. 3 years में आपको डिप्लोमा या फिर उसके आगे की भी पढ़ाई आप कर सकते हो. फिर आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा, आपको एवरी सेमेस्टर उसमें फर्स्ट क्लास लाना पड़ेगा. गोल सेटिंग, गोल सेटिंग क्यों करना है. इट इज द प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल हैज टू आइडेंटिफाई द गोल. आपको तो पहले प्लान करना पड़ेगा, गोल को पहले सेट करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा. आपने जो लक्ष्य आपको प्राप्त करना है उसको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, फिर प्लान करना पड़ेगा. उसके हिसाब से प्लानिंग के हिसाब से स्ट्रेटेजी भी लानी पड़ेगी. स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपकी, आपको लगेगा कि हाँ यहाँ में शॉर्ट एनालिसिस करके देखते हैं आपके पास कुछ प्लस या पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे या कुछ कमियां भी रही होंगी, उसको आपको कैसे मैनेज करना है, किस तरह से मैनेज करना है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी. गोल सेटिंग फोकसेस एफर्ट्स एंड इम्प्रूव डायरेक्शन इन लाइफ. आपका जो हार्ड वर्क है यहाँ में काम करेगा और आपकी लाइफ को ये लाइफ की जो डायरेक्शन है आपकी जो ये सही से रखेगा. देन गोल सेटिंग कॉजेस सेट ऑफ टू सेट प्रायोरिटीज बिकम मोर ऑर्गेनाइज. जो गोल सेटिंग है आपकी जो गोल से रिलेटेड गोल ओरिएंटेड प्रायोरिटीज जो है ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ में मदद करेगी. गोल सेटिंग टर्न्स विशफुल थिंकिंग इनटू रियलिटी. आपका जो गोल सेटिंग है आप जो विश करते हो आपकी थिंकिंग जो रहेगी, आप विश करते हो या फिर आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो
उसको रियलिटी में टर्न करते हैं. गोल सेटिंग कैन इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम. गोल सेटिंग जो है आपको खुद को गोल सेट कर लिया, दैट मींस हाफ वे आपने पार कर लिया है, तो आपका ये जो खुद को आपको गर्व महसूस कराएगा, ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी दिलाएगा. देन गोल सेटिंग मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ. आपका जो जीवन है आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे आपके जीवन के लिए, कि आप खुद के लिए, खुद के जीवन के आप शिल्पकार बन गए हो. आपका जो अपना जो विशेष है, आपके जो ड्रीम्स है, आपने खुद से ही तय कर लिया और उसको पा भी लिया है ना. इट हेल्प्स टू डिफाइन योर ओन वैल्यू सिस्टम. आपका जो वैल्यू है, जैसे ही आपने अपने जीवन का खुद ही क्या बोलते हैं, आपने खुद ही अपने जीवन को संभाला है, तो ये डिफाइन भी करेगा आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है. और लास्ट में है गोल सेटिंग पॉइंट्स आउट योर वीकनेसेस. यू कैन बिगिन सेटिंग न्यू गोल्स टू इम्प्रूव इन दोज एरियाज एंड कन्वर्ट इन टू स्ट्रेंथ. यहाँ में देखिए, हमने स्वॉट एनालिसिस में भी ये देखा था कि वहां में भी गोल ओरिएंटेड होना चाहिए और वहां में प्रायोरिटीज देनी चाहिए. आपका जो भी स्ट्रेंथ रहेगा, जो भी वीकनेसेस रहेंगे, वीकनेसेस को आपको पहले गोल सेटिंग करने के टाइम में, प्लान करने के टाइम में, स्पेशली प्लानिंग के टाइम में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी विशेष वीकनेसेस क्या है और आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रेंथ में. देखिए, स्मार्ट गोल, स्मार्ट गोल क्या है? स्पेसिफिक होना चाहिए आपका जो गोल है, आपने जो लक्ष्य रखा है पूरा करने के लिए वो स्पेसिफिक यानी स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो गोल है, जो लक्ष्य है, एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए. देन सेकंड है मेजरेबल, जो है मापा जा सके उसको, ठीक है, मेजरेबल होना चाहिए. देन अचीवेबल या फिर अटेनेबल होना चाहिए, पूर्ण करने योग्य होना चाहिए. यहाँ में हवा में बातें करके काम नहीं चलने वाला. देन रियलिस्टिक, ये वास्तविक भी होना चाहिए. एंड टाइमली या टाइम बाउंड, मीन समय से, टाइम फ्रेम एक होनी चाहिए. हर जो भी आप गोल रखते हो तो हर गोल के लिए एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना बहुत जरूरी है. तो ये हो गया आपका स्मार्ट गोल. तो स्मार्ट मीन्स S for specific, M for measurable, A for achievable or attainable, R for realistic, T for timely or time bound. देखते हैं specific means exactly क्या. हमारे अगर कुछ हम लोग questions के answer देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये specific है, ठीक है. Goal should have expected as clear as possible. आपका जो goal है वो ये निर्धारित होना चाहिए कि बहुत ही क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए. टू सेट स्पेसिफिक गोल यू मस्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. देखिए, हु विल बेनिफिट फ्रॉम माय करियर गोल. अगर मैं अपना करियर डिसाइड करती हूँ या करता हूँ तो ये किसको बेनिफिशियल होने वाला है इससे. देन व्हाट डू आई वांट टू अकम्प्लिश, मुझे क्या है, मुझे क्या चाहिए है, ठीक है. आपको ये पहले खुद को डिसाइड करना पड़ेगा. देन वेयर शुड आई स्टार्ट, मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है, ठीक है. ये क्वेश्चंस के अगर आंसर दे रहे हो आप लोग, अब अगर आपने कोई स्पेसिफिक गोल रखा है तो फिर ये क्वेश्चंस के आंसर ही आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक बनाता है आपको. देखिए, व्हेन शुड आई बिगिन, वेयर शुड आई स्टार्ट, मुझे कहाँ से शुरू करना है, मुझे कब शुरू करना है. हाउ विल दिस गोल्स अफेक्ट माई फ्यूचर, ये फ्यूचर में मुझे किस तरह से अफेक्ट करने वाला है, किस तरह से काम में आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है, ठीक है. तो ये सारी चीजें अगर आप ये पूरे आंसर देंगे WH questions के तो आपको पता चलेगा आपका गोल बहुत स्पेसिफिक है. देन मेजरेबल, establish concrete criteria for measuring progress. ये जो है measurable goal आपका जो है establish करता है concrete criteria for measuring progress. आपका progress को नापने के लिए भी तो कुछ चाहिए, कुछ मापदंड होना चाहिए ना. हर चीज का मापदंड होता है, हर चीज का यूनिट होता है, हर चीज हम लोग माप के देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को 1 kg अगर शुगर भी खरीदना है
तो हम लोग का एक है वहां में, माप है वहां में कि 1 केजी का ही उतना ही वेट का हम लोग उसके बराबर शुगर देते हैं, दैट मीन्स 1 केजी हो गया। सो इसी तरह से ये वाला आपका जो गोल है उसको मेजरेबल होना चाहिए। इनेबल्स हाउ विल यू नो इफ यू हैव मेट योर गोल, आपको ये पता होना चाहिए अगर आपने गोल रखा है तो मेजरेबल होना चाहिए। और जब आपका गोल आप प्राप्त करते हैं तो हाँ ये मैंने प्राप्त किया, ये इस तरह का सेटिस्फेक्शन आपको होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, देखिए एग्जाम्पल वन देखिए, आई वॉन्ट टू रीड अ बुक ऑफ 100 pages बिफोर माई बर्थडे। अगर मेरा बर्थडे अगले 1-2 महीने में है तो मुझे 100 pages की एक बुक जो है पढ़नी है या पढ़ के खत्म करनी है। तो ये क्या हो गया, आपका स्पेसिफिक हो गया गोल, आपको रीड भी करना है, 100 pages ही आपने प्रॉपर रखे है। देखिए स्पेसिफिक है, क्लियर है, यहाँ में टाइम बाउंड भी है, आपने टाइम भी दिया है कि मेरा बर्थडे आपको ही पता रहेगा कब आएगा। सो आपके बर्थडे के पहले आपको 100 pages की बुक रीड करनी है। तो ये क्लियर गोल हो गया, मेजरेबल भी हो गया, ठीक है ना, कंप्लीट करके पढ़ के कंप्लीट करना है ना, तो मेजरेबल हो गया, कंप्लीट हुआ। आपके बर्थडे के टाइम में पता चलेगा आपको आपने 100 pages पढ़े या नहीं पढ़े, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये मेजरेबल जो है ये कंडीशन इस तरह से आप देख सकते हैं। The next है example second देखिए, I want to be good reader, I want to be a good reader। आप इसको अब नहीं कर पाते हो, आप इसको measure नहीं कर पाते हो। good reader means क्या क्या condition आप रखोगे, नहीं रख सकते हैं, ठीक है। जैसे first example में हमने देखा है कि मुझे 100 pages की book है और मुझे मेरे बर्थडे के मीन्स टाइम पीरियड आपने वहां में रखा है, 100 pages आपने रखे, तो स्पेसिफिक भी है वहां में, मेजरेबल का कंडीशन भी आप फॉलो कर रहे हैं और टाइम का भी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये स्मार्ट गोल जो है आप इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते, अचीवेबल या अटेनेबल, फिगर आउट वेज यू कैन मेक देम कम ट्रू। ऐसी चीजें करो जो आपको सही से सही मायने में करनी है या फिर कर सकते हैं। अगर आप बोलते हो कि 100 pages की बुक है और मेरे पास आधा या 15 मिनट है तो नहीं होगा। सो ये अचीवेबल नहीं है ये चीज, ठीक है ना। जो अचीवेबल है उसको ही आपको करना है, हवा में बातें यहाँ में भी नहीं करनी है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल एंड सेट प्रायोरिटी। देखो आपके जो गोल है वहां में आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, पहले कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा वहां में। कॉन्सेंट्रेशन के साथ में प्रायोरिटीज हमने देखी थी, हमें जो है टाइम मैनेजमेंट में भी हमने देखा कि आपको प्रायोरिटी वाइज काम करना है। सो देन डेवलप द एटीट्यूड एबिलिटी स्किल एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी टू रीच देम। ऐसे नहीं हवा में बातें इसलिए नहीं करनी है कि ये सारी चीजें, आप कोई गोल या फिर लक्ष्य आपका निर्धारित करते हो तो उसको फुलफिल करने के लिए, उसको पाने के लिए आपको ये जो ये सारी चीजें, आपकी एबिलिटीज, आपका एटीट्यूड, आपकी स्किल, फाइनेंशियल कैपेसिटी और बाकी सारे रिसोर्सेज, ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट रियलिस्टिक गोल शुड हेल्प यू ऑन योर जर्नी टूवर्ड्स मीटिंग लार्जर अल्टीमेट लाइफ आउटकम्स। ये जो गोल है आपका, आपका जो लक्ष्य है ये आपको हेल्प करेगा, आपका जो रिजल्ट है गोल कंप्लीट होने का, ये आपको अल्टीमेट लाइफ आउटकम जो आपका रिजल्ट है, आप जो पाना चाहते हो लाइफ में वो उसका जो रिजल्ट है, ये आपको गोल निर्धारित करने से हेल्प करेगा। देन Your goal is probably realistic if you believe that it can be accomplished. आपका जो गोल है ये realistic तभी हो सकता है कि आपको पूरा confidence हो कि आप ये उसको पूरा कर सकते हो। Time bound, timely या time bound goal should include realistic time frame. हमेशा हमने देखा है, पहले भी बात कर चुके हैं कि गोल को जो है आपको जो लक्ष्य है 8 से 10 साल हमने बोला था यहाँ में, तो ये आपको रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड भी होना चाहिए। गोल शुड इंक्लूड रियलिस्टिक टाइम फ्रेम फॉर अचीवमेंट, प्राप्त करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, उसमें आपको टाइम रखना है और या फिर टाइम फ्रेम आपको वहां में निश्चित करनी है। अ गोल शुड बी
ग्राउंडेड विद इन अ टाइम फ्रेम, गोल जो है आपका ये टाइम फ्रेम में होना चाहिए. इफ नो टाइम फ्रेम टाइड शोज नो सेंस ऑफ अर्जेंसी, अगर आपने कोई गोल को सेट किया है और आपने उसको टाइम ही नहीं रखा है कभी भी करो तो वो प्रॉपर गोल नहीं हुआ आपका, या फिर आपको उसकी जरूरत नहीं है, या अर्जेंसी यहाँ में दिख नहीं रही है, फिर आपके गोल में आपकी जरूरत भी नहीं दिख रही है, आपकी जो ड्रीम है, आपकी जो विशेष है, आप करना नहीं चाहते हो, इस तरह से भी यहाँ में हो सकता है. तो अगर टाइम फ्रेम नहीं है दैट मीन्स आपको कोई ज्यादा अर्जेंसी नहीं है, ये सही दिखेगा. एक मिनट. क्या हो गया? नेक्स्ट है प्रोसेस. अभी हम लोगों का स्मार्ट गोल हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है. हम लोगों ने स्मार्ट एक्चुअली स्मार्ट जो है ये गोल को कैसे प्लान आउट करेंगे अभी ये देखते हैं. प्रोसेस उसका क्या रहेगा? अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट. फर्स्ट आपको अपने आप को समझ के लेना पड़ेगा. देन डिटरमाइन व्हाट यू रियली वांट. पहले तो अपना आपको ही खुद को ही चाहिए कि आप क्या चाहते हो, ये आप अपने आप को ही क्वेश्चन करो. आप ही अपने आप ही डिसाइड करो कि हाँ ये मेरी विश है या मेरी आइडियाज ये है, फिर मुझे इसको कंप्लीट करना है. देन उसके बाद में आप अपने गोल को डिसाइड कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा. जब गोल डिसाइड हो जाएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर योर एक्शन प्लान, गोल कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए, फिर आप उसको एक्शन प्लान तैयार करो. देन इम्प्लीमेंट प्लान एंड मॉनिटर प्रोग्रेस. आप प्लान जो है प्रिपेयर करो, प्लान को इम्प्लीमेंट करो और उसके साथ में आप अपना सक्सेस पा लीजिए. देन लास्ट में हम लोगों ने एक वर्कशीट रखा है जो ये आप अपने लिए भी नोट डाउन कर सकते हो. ये गोल का वर्कशीट है यहाँ में जो मैंने रेड कलर में दिया हुआ है. यहाँ में आप अपना गोल रख के भी अपना गोल डिसाइड कर सकते हो, अपना लक्ष्य रख सकते हो. ठीक है, राइट योर गोल्स एकेडमिक. देखिए टू पास डिप्लोमा एग्जाम विथ 90%. मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया है, आप अपना लिखना है. टू पास डिप्लोमा एग्जाम विथ 90%, टू इम्प्रूव माई इंग्लिश कम्युनिकेशन. ये दो मैंने गोल ऐसे एकेडमिक गोल रखे हुए हैं कि मुझे मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है इम्प्रूव करना है एंड 90% जो डिप्लोमा में मुझे मार्क्स लाने हैं. देन नेक्स्ट व्हाट आई विल गेट आफ्टर अचीविंग दिस गोल. मुझे क्या मिलने वाला है? सेटिस्फेक्शन. जो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है वो सबसे बड़ी चीज है. टू रीइंफोर्स माय ओन फेथ इन माय कैपेसिटी. जो मेरी कैपेसिटी में है, आपकी आपकी जो कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है आपको फिर से आप उसमें गर्वान्वित महसूस भी कर सकते हो. आपको ऐसे लगेगा कि हाँ नहीं मैं कर सकता हूँ. कॉन्फिडेंस जो है टू रीइंफोर्स ऑन माय फेथ इन माई कैपेसिटी. आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी एबिलिटी जो है, आप उस पर सुनिश्चित होके फिर काम कर सकते हो, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा. देन पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स क्या आ सकते हैं? आप जब काम करोगे आपका गोल तो निश्चित हो गया है, आपने राइट डाउन कर लिया है आपको क्या मिलने वाला है, सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, आपको अपनी क्षमता पता चल रही है. देन पॉसिबल ऑब्स्टेकल्स मीन्स क्या अड़चने आ सकती है, प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है. देखिए
आपका जो है लैक ऑफ टाइम, आपको शायद टाइम नहीं मिलने वाला है, फिर नॉन कंसिस्टेंसी इन माई एफर्ट्स, आप जो काम करने वाले हो उसमें आप कंसिस्टेंस नहीं रहोगे या फिर वो लगातार उसमें उस कोशिश में नहीं रहोगे, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके हाथ में है या आप दूर भी कर सकते हो। स्किल एंड बिहेवियर रिक्वायर्ड, आपका क्या स्किल आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, देखिए स्किल एंड बिहेवियर रिक्वायर्ड, हार्ड वर्किंग एबिलिटी आपको चाहिए, आपको होना चाहिए हार्ड वर्किंग, क्योंकि आपको लक्ष्य प्राप्त करना है। जब आप अपने अंदर के मन से, अंतर मन से किसी की एक ड्रीम है या अपना अपना सपना है आप वो प्राप्त करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ये आपका जो हार्ड वर्किंग एबिलिटी आपके अंदर अंतर मन से आ जाती है। देन टाइम मैनेजमेंट, फोकस्ड एफर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है टाइम मैनेजमेंट ये स्किल बिहेवियर में आ सकता है आपका बिहेवियर में। हार्ड वर्किंग एबिलिटी जो है वो आपको चाहिए रहती है, आपका स्टेमिना भी इधर में चाहिए रहता है, और आप कितना कार्यक्षमता से कितना इफिशियंटली काम करते हो ये सारी चीजें हमें दिखेगी। देन पीपल ग्रुप और रिसोर्सेस रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या चाहिए रहता है, पीपल कौन से चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट टीचर लगेंगे आपको, गाइड लगेंगे, रिलेवेंट लर्निंग मटेरियल लगेगा और प्रॉपर इंफॉर्मेशन सोर्सेस भी लगेंगे। देन मेथड एंड मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग प्रोसेस क्या रहेगी आपकी, यहाँ में टू चेक द मार्क्स स्कोर ऑफ टेस्ट एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल और इंटरमीडिएट सेमेस्टर, आपकी यहाँ में मेजरमेंट्स क्या रहेंगे, मीन्स मेजरेबल बोल रहे हैं ना हम गोल को मेजरेबल बोल रहे हैं, तो कैसे मेजर करेंगे हम लोगों का, अगर मुझे 90% डिप्लोमा में मार्क्स कवर करने हैं तो उसका मैं मेजरमेंट क्या रखूंगी, क्या रखेंगे हम लोग अपना मार्क्स, मार्कशीट में देखेंगे हमने कितने गुण प्राप्त किए हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम में कितने किए हैं, सेमेस्टर वाइज कितने किए हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है ये मेजरेबल आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट है टू डिस्कस द एकेडमिक प्रॉब्लम्स विद द methods of monitoring and measuring process to check the mark score of test examination practical or semester intermediate semester, ये सारी चीजें जो है आप measure करके देख सकते हो, फिर इसीलिए यहाँ में आप बोल सकते हो कि हाँ हमने जो टारगेट रखा था 90% का और 90% डिप्लोमा में मार्क्स लाने का, तो यहाँ में आप मेजर करके देख सकते हो और अपने मार्क्स भी यहाँ में टेस्ट के मार्क्स भी यहाँ में देख सकते हो। देन नेक्स्ट है रिवॉर्ड, ये सारी चीजें होने के बाद में आपने अच्छे से काम किया है, आपने जो है देखिए आपने अच्छे से एफर्ट लिया है, आपने अपना गोल पहले लिखा था पास डिप्लोमा विथ 90%, ठीक है, आपने ये गोल आपने पहले रखा था, फिर आपने क्या किया था कि आपको मिलने क्या वाला है, ये गोल से आपको क्या प्राप्त होने वाला है, तो मेजर तो है, एक तो है सेटिस्फेक्शन जो होना चाहिए, देन मेजर ऑब्स्टेकल और पॉसिबिलिटीज क्या है आपकी प्रॉब्लम्स आने की वजह से, देखिए यहाँ में है लैक ऑफ टाइम है, मोस्ट ऑफ टाइम्स हम लोग टाइम ही नहीं दे पाते हैं और कंसिस्टेंस नहीं रहते हैं, जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए हमारी हार्ड वर्क की वो नहीं रहती है। स्किल और बिहेवियर जो है आपकी हार्ड वर्किंग एबिलिटी हमें दिखाई देनी है, आपको चाहिए कि हमें बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करे विद टाइम मैनेजमेंट के साथ में, अच्छे से मैनेज करे टाइम को भी सारी ड्यूटीज निभाते हुए, देन अपने फोकस करे एफर्ट को जो आप काम करने वाले हैं, हार्ड वर्क करने वाले हैं, आपकी इफिशियंसी हमें काम में आने वाली है। पीपल ग्रुप और रिसोर्सेस क्या लगने वाले हैं देखते हैं, ये सब्जेक्ट टीचर गाइड रिलेवेंट लर्निंग मटेरियल प्रॉपर इंफॉर्मेशन सोर्सेस, ये सारी चीजें होने के बाद में आपने एग्जाम दिया, फिर मेथड ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग प्रोसेस, वेदर आपने
जो गोल रखा था 90% मार्क्स लेने का डिप्लोमा में, वो हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको यहाँ में आपके प्रैक्टिकल मार्क्स, आपके एग्जामिनेशन टेस्ट, ये सारी चीजें देने के बाद में पता चल जाएगा, देखने के बाद में। सो लास्ट में है आपका रिवॉर्ड, आप अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपका रिवॉर्ड जो है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये रिवॉर्ड मिल जाता है एक्चुअली, और आप खुद को ही कॉन्ग्रेचुलेशन करोगे कि हाँ नहीं, मैंने जो गोल रखा था वो कंप्लीट हो गया है। बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग क्या है देखते हैं। सफर लेस फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी, आप जो है लेस सफर करोगे यहाँ में, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, आपको ज्यादा तनाव नहीं महसूस होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस बेटर, आप अच्छे से लक्ष्य को, लक्ष्य की ओर लक्ष्य केंद्रित कर सकोगे। शो मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस वहां में भी बढ़ता हुआ दिखेगा। देन परफॉर्म बेटर इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, आपकी जो ऑल एरियाज लाइफ में जहां में भी जाओगे, इस तरह से प्लान वे में काम करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ काम करोगे, तो आप जो है बेटर सारे एरियाज में अच्छा काम कर पाओगे। बिकम हैप्पियर एंड मोर सेटिस्फाइड इन लाइफ, आप बहुत अच्छे से आनंदी रहोगे, सुखी रहोगे, देन सेटिस्फाइड भी रहोगे। यहाँ में हम लोग गोल जो है, गोल सेटिंग जो है, हमने थोड़ी सी बाधाएं आई थी एक्चुअली, कुछ प्रॉब्लम हुआ था जो हमने अपने मोबाइल की